हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रियास हेल्दी किचन। दोस्तों, आज जो रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो देखने में थोड़ा बहुत मोमोज जैसा तो लगता है, बट खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रंची लगता है। इसमें मैंने सिर्फ एक वेजिटेबल का यूज़ किया है, आप चाहे तो और भी ज़्यादा इसमें मिक्स कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान भी है। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ वेज पॉप्स की रेसिपी। तो चलिए फिर देखते हैं कि हम कैसे ईजिली टेस्टी और क्रंची वेज पॉप्स बना सकते हैं। सबसे पहले हम पॉप्स के लिए बनाएंगे टमाटर की चटनी। तो इसके लिए मैंने लिया है 3 टमाटर, 1 पिंच अदरक, 3 लहसुन और ये 1 प्याज। और अब हम टमाटर और अदरक को, सिर्फ टमाटर और अदरक को हम मिक्सी जार में पीस लेंगे। तो मैंने अदरक और टमाटर को पीस लिया है और प्याज और लहसुन को मैंने बारीक काट लिया है। लहसुन को आप या तो बारीक काट लीजिए या कद्दूकस कर लीजिए, बेहतर होगा। और अब हम लेंगे एक कढ़ाई, फ्लेम करते हैं ऑन। अब हम इसमें डालेंगे ये थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे। इसको चारों तरफ फैला देते हैं। ये गर्म हो चुका है तेल और इसमें हम डालेंगे ये लहसुन। लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। अब डालेंगे हम प्याज, लो फ्लेम पे हम प्याज को ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। तो प्याज ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें डाल देते हैं ये टमेटो प्यूरी। और अब इसमें डालेंगे हम करीब 1 चम्मच, ये लगभग 1 चम्मच नमक और ये लाल मिर्च पाउडर, दो चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसको मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। मिक्स कर लेंगे इसको और अब हम इसको ढक देंगे। और ढक कर इसको हम लो फ्लेम पे 10 मिनट पकने देते हैं। 10 मिनट हो चुका है और चटनी में से अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। तो अब हम डालेंगे इसमें सोया सॉस, तो करीब 2 चम्मच हम इसमें सोया सॉस डाल देते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे। इसको हम ऐसे ही 2 मिनट पकाएंगे। 2 मिनट पकने देते हैं इसको। तो 2 मिनट हो गया है, अब हम गैस फ्लेम कर देते हैं बंद और इसको ढक कर हम ऐसे ही रेस्ट करने देते हैं। और जब तक चटनी हमारा ठंडा हो रहा है तब तक हम पॉप्स बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो वेज पॉप्स बनाने के लिए मैंने लिया है ये 1/2 पत्ता गोभी, करीब 350 ग्राम होगा। ये 2 पिंच अदरक और 4 प्याज लिया है। अगर इस साइज़ का प्याज होता तो 3 प्याज काफ़ी है, ये छोटा था इसलिए मुझे 4 लेना पड़ा। अभी मैं इसके हेल्प से, कटर की हेल्प से, इन सब को बारीक काट लूँगी। तो मैंने पत्ता गोभी, प्याज और अदरक को कटर की हेल्प से बारीक काट लिया है। अब हम इसमें मिलाएंगे ये धनिया पत्ता मैंने बारीक काट के रखा था। और इसमें मिलाएंगे हम 2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 2 चम्मच काली मिर्च पाउडर। और अब मिलाएंगे नमक 1 चम्मच, 1.5 चम्मच इसमें नमक मिलाएंगे। और अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसको करेंगे साइड।
और अब हम मैदा गूंथ लेते हैं। तो एक बर्तन ले लेंगे और इसमें लेंगे हम मैदा, इस कप से 2 कप मैदा लेंगे हम। और अब हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल, तो 3 चम्मच मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाला है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये 1/2 ग्लास पानी लिया है मैंने। अब जितना ज़रूरत होगा उतना पानी डाल डाल के मैदा को हम अच्छे से सॉफ्ट गूँथ लेंगे। तो मैंने इसको सॉफ्ट गूँथ लिया है। अब हम थोड़ा सा लेंगे हाथ में तेल और इसके ऊपर लगा देंगे। और अब हम इसको ढक दिए। अब इसको हम 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे रेस्ट करने के लिए। 5 मिनट बाद हम इसका लोई तैयार करेंगे। तो 5 मिनट हो गया है। अब हम इसको एक बार और मिक्स कर लेते हैं। चलिए अब मैं इसका लोई बना लेंगे बड़ा बड़ा, क्योंकि मुझे इस पे स्लैब पर ही इसको बेलना है। और अब हम लेंगे सूखा मैदा। अब हम यहाँ स्लैब पर ये सूखा मैदा फैला देंगे, जिससे कि इसमें मैदा चिपके नहीं। अब इसको हम बिल्कुल पतला बेल लेते हैं। मैंने इसको पतला बेल लिया है, बिल्कुल पतला बेल लिया है। और अब हम इस कटोरे की हेल्प से इसको काट लेते हैं गोल गोल। तो इसी तरह हम बाकी को भी बेल लेंगे। तो चलिए अब हम इसको भर लेते हैं। इसको मोमोज जैसे जो है वो रोल नहीं करना होता है, मोमोज जितना इसमें इतना मेहनत है नहीं। बस इसको भर के और इसका मुंह बंद कर देना होता है। किसी भी तरीके से आप मुंह बंद कर दीजिए इसका। जी हो गया, इसका बस मुंह बंद कर देना होता है, जिससे कि ये तेल में जाते ही खुल ना जाए। ये साइज में छोटा छोटा पॉप्स के जैसे बनता है। तो मैंने सारा पॉप्स तैयार कर लिया है भरकर। और अब चलिए हम इसको तल लेते हैं। तो मैंने तलने के लिए कढ़ाई ले लिया है, फ्लेम ऑन कर लेते हैं। इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। तो कुकिंग ऑयल ले लिया है, अब इसको गर्म होने देते हैं। तो तेल गर्म हो चुका है, अब फ्लेम करेंगे हम मीडियम। मीडियम फ्लेम पर, मीडियम से लो फ्लेम पर हम इस वेज पॉप्स को तल लेते हैं। इसको हम दोनों साइड से इस तरह पलट पलट के, आहा कितना अच्छा लग रहा है, पलट पलट कर इसको हम तल लेंगे। तो इसको हम दोनों साइड से इसी तरह ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे और फ्राई करके निकाल लेंगे। तो ये दोनों साइड से अच्छे से बिल्कुल बहुत ही अच्छे से ब्राउन हो चुका है। और अब हम इसको निकाल लेते हैं। खाने में बहुत क्रंची लगता है, एक बार ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। तो मैंने निकाल लिया है इसको पॉप्स को तलकर। अब इसी तरह मैं बाकी पॉप्स को भी तल लेती हूँ। तो इसी तरह बाकी पॉप्स को भी तल लेते हैं। तो ये रहा हमारा क्रंची पॉप्स, बिल्कुल तैयार, रेडी टू सर्व।
और उसकी ये चटपटी तीखी वाली चटनी, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा।